धन्यवाद प्रणाम गुरुजी. येस येस थँक्यू थँक्यू थँक्यू. आणि तुम्हाला सुद्धा गुड इव्हनिंग. तर सर्व लोकांनी माईक म्यूट करून ठेवा. दिवाळी अजून काय आपल्या क्लास कडून डिक्लेअर झालेलं नाही का? दिवाळीच्या सुट्ट्या लागल्या, त्याच्यामुळे जे जास्तीत जास्त संख्येने क्लास करा. जरा सुट्ट्या लागलेल्या आहेत, सर्वच काही अवेलेबल आहे. ओके सो लेट्स स्टार्ट. कुणाल हो डन. तर नमस्कार मंडळींनो, आपल्या सर्वांचे जे आहे व्हीएस इंग्लिश अकॅडमी या युट्यूब चॅनलवर अगदी मनापासून स्वागत आहे. सबस्क्राईब केलेलं नसाल चॅनलला सबस्क्राईब करा, व्हिडिओला लाईक करा, शेअरिंग करा आणि सोबतच कमेंट करायला विसरायचं नाही. यू कॅन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एज वेल. अवर इंस्टाग्राम आय डी इज व्हीएस इंग्लिश अकॅडमी. सो इन दिस व्हिडिओ वी आर गोइंग टू लर्न ए न्यू टॉपिक कंपॅरिझन टू द प्रिव्हियस वन ऑफकोर्स. सो आज का टॉपिक कौन सा रहेगा? आज का टॉपिक रहेगा ऐड ए क्लॉज. क्लॉज का ही एक हिस्सा है ऐड ए क्लॉज. अब ऐड ए क्लॉज मतलब होता है क्या है? देखो क्लॉज के आधार पर अनेकों प्रकार के क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में आते हैं. तो जितने भी अलग अलग प्रकार के डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर बेस्ड एंड आज देयर आर सेड देयर इन अवर क्वेश्चन पेपर्स सेम उनके जैसे ही एक क्वेश्चन जो है ना हमारे एग्जाम में आता है. कौन सा वाला? ऐड ए क्लॉज. ऐड ए क्लॉज ब्रैकेट में आएगा ऐड ए क्लॉज. इतना ही आता है बस फिनिश. हमें पता ही नहीं है कि ऐड ए क्लॉज क्या होता है क्योंकि क्लॉज सीखा बाकी सारा दुनिया भर का सीखा लेकिन ऐड ए क्लॉज ये किस टॉपिक का नाम है, ये किस ग्रामर के पार्ट का हिस्से का नाम है, ये कब पैदा हुआ, इसका डिलीवरी कब हुआ, रात में जन्म हुआ, दिन में जन्म हुआ, सुबह को शाम को पता ही नहीं है. लेकिन यस गाइस टू टेल यू ये हमारे एग्जाम का ही हिस्सा है, हमारे पेपर का हिस्सा है और ऐसे ही क्वेश्चन जो है ना हमारे पेपर में भी आते हैं. तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लॉज. ऑलरेडी हमने क्लॉज को अच्छी तरह से पढ़ा है. क्लॉज इस टॉपिक को हमने अच्छी तरह से पढ़ा है. तो इसे के आधार पर देखो कौन सा वाला है हमारा क्लॉज. Add a clause. चलो अब होता क्या है add a clause मतलब सिंपल सी भाषा में मैं बता देता हूँ. क्लॉज जो है ठीक है क्लॉज इसमें हमने दो प्रकार के क्लॉज देखे, एक मेन क्लॉज एक सबऑर्डिनेट क्लॉज. मेन क्लॉज को ही हमने इंडिपेंडेंट क्लॉज, मेन क्लॉज को ही हमने प्रिंसिपल क्लॉज कहा है. उसके बाद आता है सबऑर्डिनेट क्लॉज, उसको हमने डिपेंडेंट क्लॉज भी कहा है. सो मेन क्लॉज मतलब मेन वाक्य और सबऑर्डिनेट मतलब उपवाक्य, जो सबऑर्डिनेट सेंटेंस है जितना जिसका इंपॉर्टेंट कंपैरिजन टू द मेन सेंटेंस थोड़ा सा कम होता है. कम है इसका मतलब जो है ना ये जूनियर है और ये मेन क्लॉज जो है वो सीनियर होता है. तो जो जूनियर होता है वो हमेशा ही सीनियर के ऊपर डिपेंड करता है. बराबर है, सीनियर जूनियर के ऊपर डिपेंड नहीं है, जूनियर इज डिपेंड ऑन सीनियर. ठीक है, तो उसी प्रकार से ये सेंटेंस में भी. तो होता क्या है, सेंटेंस को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, मेन क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज. इज इट क्लियर? मतलब सेंटेंस के दो पार्ट हो गए. तो एग्जाम में जो है ना किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, सेंटेंस का आधा हिस्सा दिया हुआ रहेगा. ठीक है, स्टार्टिंग का हिस्सा दिया हुआ रहेगा और उसके आगे अप टू द फुल स्टॉप तक हमें उस सेंटेंस को खींचना है, एक्सटेंड करना है. अब कैसे एक्सटेंड करें और कौन से वर्ड हम वहां पे यूज करें, आधा सेंटेंस दिया हुआ है, आधा हमें एक्सटेंड करना है. ठीक है, फुल स्टॉप तक मतलब एक कंप्लीट सेंटेंस बनाना है. अब कैसे बनाएंगे, इतना तो इमेजिनेशन पावर हमारा है नहीं कि हम वही वो सेंटेंस को एक्सटेंड करें करके. स्टोरी को एक्सटेंड करना आता है हमें, लेकिन सेंटेंसेस या फिर लिखाई पढ़ाई एजुकेशन की बात करते हैं, यहाँ पे ग्रामर की बात करते तो थोड़ा सा टफ जाता है. तो इस टफ लगने वाले होने वाले इस टॉपिक को जो है ना बहुत ही आसानी से इस वीडियो के अंदर में हमें सीखना है. कि देखो मैंने कहा है कि आधा हिस्सा दिया होता है स्टार्टिंग का हिस्सा और हमें उसके आगे सेंटेंस को एक्सटेंड करना होता है फुल स्टॉप तक. तो इस प्रकार से आधा दिया है, आधा हमने लगाया तो पूरा एक कंप्लीट हमारा सेंटेंस बन गया है. एंडिंग का हिस्सा नहीं मिलेगा आपको, स्टार्टिंग का हिस्सा दिया रहेगा पेपर में.
स्टार्टिंग का, मतलब आधा स्टार्टिंग का वाक्य है, आधा जुड़ना है। तो जो हम जोड़ रहे हैं, ठीक है, जो जोड़ रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है, ऐड कर रहे हैं। पहला है जो दिया हुआ है वो हमारा मेन क्लॉज, हम सामने जोड़ रहे हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज, तो हमने क्या किया, एक क्लॉज को यहाँ पे जोड़ा है, तो आधा हिस्सा है मतलब मेन क्लॉज है और सामने वाला हम सबऑर्डिनेट क्लॉज उसको जोड़ेंगे। हाथी दिया हुआ है उसकी पूंछ जोड़ना है, ठीक है। अब कोई एनिमल दिया हुआ है, हाथी दिया हुआ है और टोपला भर के जो है ना हमारे पास जो है ना एनिमल्स की पूंछ भर के दी हुई है, टेल्स ऑफ मेनी मोर डिफरेंट स्पीसीज ऑफ द एनिमल्स है। अब एग्जैक्टली उसमें से जो इस एनिमल को सूट करे वो इसके बॉडी को फीट बैठे, ऐसी ही पूछ वहां से चूज करके लिख मतलब लगाना है। नहीं तो हाथी दिया हुआ है, लगाना है हाथी की पूछ, क्या बंदरे ले घोड़े की शक्ति लावे म्हणते इथे। अब ये माकडिया ये हत्ती होय आणि तू त्या घोड्याची शेपटी घेऊन आला, जमणार आहे का नाही जमणार आहे, तर याला जे सुटेबल आहे, ठीक आहे, याला जे शोभेल, दोन फुटाचा माणूस ना चार फुटाची बाई, शुभ मंगलम शावदन काय बेक नवऱ्याली कडेवर घेऊन फिरून राहिली, काय आहे का नाही, जमणारच नाही, तो सूट होना चाहिए, ठीक है, वो मैच होना चाहिए, मिसमैच नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से दुनिया भर के हमारे पास वर्ड्स है, दुनिया भर के हमारी इमेजिनेशन है, उनके यूज करके एक सुटेबल सामने का सेंटेंस लिखना, दैट मींस एडिंग ए क्लॉज, इसको कहते हैं एड ए क्लॉज। अब देखते हैं चार दो एग्जांपल से वो समझ में आ जाएगा, ऐसे तो हमने ओरली समझ लिया है कि क्या होता है, आइडियाज क्लियर हो गए, डाउट्स क्लियर हो गए, हाँ आधा हिस्सा दिया हुआ आधा जोड़ना है, दिस इज व्हाट एग्जैक्टली कॉल्ड एज एड ए क्लॉज। लेकिन हाउ इट इज वर्किंग, हाउ इट वर्क्स, हाउ कैन वी एड ए क्लॉज, देखते प्रैक्टिकली। एग्जाम्पल फर्स्ट, एग्जाम्पल फर्स्ट, देखो द चाइल्ड, the child cried, the child cried, अभी इतना सेंटेंस है, इतना सेंटेंस है, बच्चा रोया, the cried, सॉरी the child cried, बच्चा रोया। अब इसके सामने हमें एक्सटेंड करना है क्योंकि पुश स्टॉप नहीं है और ये पूरा का पूरा सेंटेंस भी नहीं बना है, आधा अधूरा सेंटेंस है, only and only first part of the sentence is given here, we have to add few more words here to this, okay, this part of the sentence to get the complete sentence, तब जाके हमारा एक complete sentence बनेगा। अब इसको पूरा कैसे करें, इसको पूरा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, कंजेक्शन का यूज करना पड़ेगा। कंजेक्शन का यूज अगर नहीं करते हैं तो सामने सेंटेंस बन ही नहीं सकता, और अगर लिखते हैं तो वो सिंपल सेंटेंस बनेगा, सिंपल सा सेंटेंस। लेकिन हमें क्लॉज, क्लॉज मतलब दोनों आ गए, मेन क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज, तो मेन क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज एक सेंटेंस में होना चाहिए, अगर ऐसा हमें लगता है तो विदाउट कंजेक्शन इट इज नॉट पॉसिबल, तो यहाँ पे सामने जो है ना हमें कंजेक्शन का यूज करना पड़ेगा। तो बच्चा रोया, बच्चा रोया क्यों, शायद जो है उसकी मम्मी बाहर चली गई होंगी, मतलब जब मम्मी बाहर जा रही थी तो शायद वो रो रहा था, शायद उसको भूख लगी थी इसलिए रो रहा था, शायद कोई उसको खिलौना चाहिए था इसलिए रो रहा था, शायद किसी ने उसको मारा था इसलिए रो रहा था, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीजंस वहां पे कंसिडरेबल है, कंसिडरेबल है। तो ये जो भी मैंने ऑप्शंस में सजेशंस में बताया इनमें से एक यहाँ पे लगाना है, मम्मी ने मारा होगा, मम्मी बाहर जा रही होगी, खिलौना चाहिए था, ठीक है, स्कूल के टीचर ने डांटा होगा, कुछ इंजरी हो गई है, तबीयत ठीक नहीं थी, गिर गया, कोई लेके नहीं गया, भूख लगी थी, कुछ भी कारण हो सकता है। तो ये लिखते हैं लेकिन सुटेबल कंजेक्शन का यूज करना पड़ेगा, ठीक है, बच्चा रोया था इसका मतलब यहाँ पे कोई कारण बताना पड़ेगा, हमें कारण बताना पड़ेगा, ठीक है। तो द चाइल्ड क्राइड Because the child cried, बच्चा रोया था क्यों, because it was
Okay? It was slam. किसी ने उसको मारा था. It was slam. Because it was. It क्यों लिया है? बच्चे के लिए लिया है. क्योंकि हमें पता नहीं है इसका sex कौन सा है. मतलब वो जो बच्चा है छोटा सा बालक है. ये जो लान से छोटा सा मूल है. ये मुलगा है कि मुलगी है. आपल्याला माहित है. नन्ना मुन्ना बच्चा है. इसलिए हमने लिया है ये. और ऐसे होता है. When we don't know the gender of that time it आता है. ठीक है. न्यूट्रल जेंडर जिसको कहेंगे आप. ओके न्यूट्रल जेंडर. तो द चाइल्ड क्राइड बिकॉज इट वॉज स्लैप. उसको किसी ने मारा था इसलिए वो रो रहा था या फिर उसने रोया था. ये का कंसिडरेबल सेंटेंस हो जाएगा. तो एना क्लॉज कौन सा. बिकॉज इट वॉज स्लैप. बिकॉज इट वॉज स्लैप. ये हमने क्या किया. इस दिए हुए सेंटेंस को फिर से एक शेप्टी लगा दी. मतलब एक एडिशनल क्लॉज जोड़ दिया. ये है हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज. मेन क्लॉज इज गिवन. सबऑर्डिनेट क्लॉज इज एडेड टू दिस गिवन मेन क्लॉज. एंड इन दिस वे वी गॉट अ कंप्लीट सेंटेंस व्हिच इज कंप्लीट मीनिंगफुल सेंटेंस. हसरत प्लीज प्रकाश. अब इसको ही मैं दूसरे ढंग से भी लिख सकता हूँ. दूसरे ढंग से कैसे. देखो डिफरेंट है. चाइल्ड cried. The child cried. बच्चा रोया. When her mother, its mother went to market. The child cried when its mother went to market. जब मम्मी चली गई तब बच्चा रोया. जब मम्मी चली गई तो बच्चा रोया. है क्या नहीं. जमा क्या नहीं. मीनिंगफुल सेंटेंस. और ऐसा होता है. बच्चा कब रोता है. जब मम्मी चली जाती है तब वो रोता है. कारण त्याला माहित असते बाप आपल्या काय कामाचा नाही. हा पिदाड्या माणूस आहे. याच्या समोर भुकून रडून काय फायदा नाही. हा काही कडीला घेणार नाही. कारण चार लोक यालेच कडीवर धरून घरी आणते. पसरले का म्हणते इथे खाटल्यावर मुमर म्हणते. तो ये भी एक रिजनेबल है. द चाइल्ड क्राइड व्हेन इट्स मदर वेंट टू मार्केट. जब उसकी मम्मी मार्केट चली गई तो बच्चा रोया. समझे. तो यहाँ पे हमने क्या किया. वेन वेन से लेकर यहाँ तक कुछ स्टॉप तक सेंटेंस को आगे बढ़ा. इतना ही रहेगा. ठीक है. इतना ही रहेगा. और सामने का हमें जोड़ना है. सामने का हमें जोड़ना है. इज इट क्लियर. तो ऐसे होता है ये एड अ क्लॉज. सेकंड सेंटेंस लेते हैं. सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं. सेकंड वाले एग्जाम्पल देखो. Keep silent. Keep silent. चुप बैठो. टीचर कहते ना. बड़े लोग कहते हैं चुप बैठो रे नहीं तो पनिशमेंट मिलेगी. ऐसा ही होता है ना. लागू ही यूनिवर्सल ट्रूथ है. चुप बैठो नहीं तो धुलाई मिलेगी. पंटे फाटे पर्यंत मारे लेगा. चुप बस. बिल्कुल एक शब्द ही बोलायचा नहीं. ऐसे तो keep silent और you will be punished. नहीं तो आपको मार मिलेगी. और you will be punished. ठीक है. ये बन गया हमारा सेंटेंस. you will be punished. आपको मार मिलेगी. दूसरा एक. ठीक है. दूसरा एक. ठीक है. दूसरा एक. ठीक है. दूसरा एक. किसी को keep silent. चुप बैठो या फिर क्लास के बाहर जाओ. गो आउटसाइड. और यू कैन गो आउटसाइड. यू कैन गो आउटसाइड. ठीक है. यू कैन गो आउटसाइड. चुप बैठो या फिर निकल जाओ. यू कैन गो आउटसाइड. अगर चुपचाप बैठना नहीं होता तो ऐसा भी है. ये भी रीजनेबल है. वैलिड है. तो इस प्रकार से हमें जोड़ना होता है. बस दिमाग का यूज करना है कि सेंटेंस के आगे क्या होगा. नहीं तो इधर थोड़ा सा पॉजिटिव दिख रहा है और आगे जो है हम कुछ उसके अपोजिट कर रहे हैं या फिर निगेटिव या फिर कुछ तो भी अनाप शनाप लगा रहे. नहीं नहीं कुछ भी लगाते हैं चलता है.
एनिमल आहे, हत्ती आहे, त्याला शेपटीच लावायची आहे तर कुत्र्याची लावा, मांजराची लावा की नाही मग मच्छराची लावा, शेवटीच शेपटीच लावणी आहे त्याला. लावली बाबाजी शेपटी लावली, अबे थुत्रिया ती कसं दिसते बे, शोभते तरी का, त्याला शोभलंही पाहिजे. लावण्याची गोष्ट ठीक आहे, जिवंत खायचं आपण, भाजी खाऊच, दुसू या टँकर मध्ये, परंतु समाधान, नुसतं पोट भरायचं नाही आपल्याला, नुसतं सेंटेन्स लिहायचं नाही, समाधान पण झालं पाहिजे, असं वाटलं पाहिजे, हा मी जेवण केलं, त्याच्यापासून काही प्रोटीन व्हिटॅमिन न्यूट्रियंट्स ठीक आहे, आयरन वगैरे जे आहे आपल्या शरीराला सप्लाय पण झालं पाहिजे. तर अशा प्रकारचं जेवण केलं तर काहीतरी फायद्याचं, नाही तर का खाल्ला बे, दगड खाल्ला फ्राय करून, पोट भरला असतं फुगला असा ढेरी, बिमार झाला ना दुसऱ्या सकाळी तो, पोट फाडला त्याचा सर्जरी ऑपरेशन अमकान धमका, हे काढलं टोपला भरून दगड, तसं नाही पाहिजे कार्यक्रम. सेंटेन्स बनाना है लेकिन वो मीनिंगफुल होना चाहिए, मतलब पढ़ते बराबर कैसे, हाँ याले म्हणते सेंटेन्स है का नाही, असं पाहता बरोबर वाह याले म्हणते पोरगा, जान जान जानदार शानदार, मस्त गॉगल वॉगल लावून, सूट बूट घालून जे आहे, परफ्यूम वरफ्यूम घालून, तू शिकला तो कवडीचा नको ना बे, तू शिकला कवडीचा नको, पण कोणी त्याला पोरगी देते काहून, तो दिसतेच चांगला ना आपल्या, कसं आहे लोक रंग रंगोटीवरच भूल जाव काम आहे ठीक आहे, त्याला दिमाग कितीचा आहे का नाही, त्याचा जे रेट आहे मार्केटमध्ये ते काय आहे काही लिहिन ते नाही, पण दिसते सुरभूत, ते तसं इकडे करायचं नाही, याले दिसण्यासोबत काही अर्थ नाही, त्याला लिपस्टिक पावडर ना परफ्यूम लावून द्यायचं ना सुटबूट घालून द्यायचं नाही, तो त्याच्या जीवना म्हणजे त्याच्या जीवनाला अर्थ असला पाहिजे, इकडे अर्थ असला पाहिजे, मिनिंगफुल सेंटेन्स होना चाहिए, कुछ भी जोडा कोई भी कंजेक्शन यूज करो, लेकिन फाइनली क्या है, व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन, कि भाई सेंटेंस मीनिंगफुल बनना चाहिए, पढ़ते बराबर इधर खुजाने की आवश्यकता ना हो, कि भाई सेंटेंस वाचलं पण त्याचा अर्थच कळलेला नाहीये, तसं झालं नाही पाहिजे. चलो समोर एक्झाम्पल, आजीबाई 80 वर्षापेक्षा मोठी आहे, 80 ची झालेली आहे आजीबाई, 80 वर्षाची झालेली आहे तरी पण असं ठुमक ठुमक डान्स करते का नाही, फार डीजे हालून जाते, डीजे मुळे हे हालत नाही आजीबाई, तिच्या नाचण्यामुळे जे आहे डीजे हालून राहिलेला असं तंगडंग 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 तंगडंग, आजीबाई 80ची झाली तरी खळा 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 वाजते, छान डोळे आहेत तिचे ठीक आहे, आजीबाई 80 वर्षाची झाली तरी सर्व काम करते घरातले आहे का नाही, आजीबाई 80 वर्षाची झाली तरी स्वतः मार्केटमध्ये जाऊन सामान घेऊन येते, आजीबाई 80 वर्षाची झाली तरी स्वतःचे कपडे धुते, आजीबाई 80 वर्ष झाली तरी शेतावर जाते, एका जान जवान माणसासारखं ते काम करू शकते, ऐसे अलग अलग प्रकार के सेंटेन्सेस आएंगे इसके सामने ठीक है. सो ग्रँड मदर इज ओवर 80 बट लेकिन बस ठीक आहे, she can read without speak, ठीक है, without speak she can read without speak, बिना चश्मे से वो पढ़ सकती है, हाजी भाई 80 साल की हो गई है लेकिन वो बिना चश्मे से पढ़ सकती है, एंड आजकल जो पूरा आहे का नाही, चार डोळे लागले म्हणतात, काही बॅटरी म्हणतात, काही काय नाही म्हणत, त्याचं त्याले माहित, देअर आर मेनी मोर एडजेक्टिव्स विच कॅन बी यूज एनी टाइम फॉर एनी वन बिकॉज वी आर हॅव्हिंग द कम्प्लीट इंडिपेंडन्स, वी आर द पर्सन ऑफ इंडिपेंडंट इंडिया, क्या वापरा, तो समझे ना, यहाँ पे यस यहाँ पे जो है 80 की हो गई आजी भाई लेकिन फिर भी वो जो है बिना चश्मे से पढ़ती है, तो हमने क्या किया है यहाँ पे देखो, बट से लेकर यहाँ तक का जो बनाया सेंटेंस दिस इज व्हाट एड क्लॉज, ये ऐसा लिखना पड़ता है एग्जाम में आता से, अरे ये तेज गारंटीड मी सांगतो, लोअर इंग्लिश वाले भाऊ तुम्ही सांभाळून ठेवा स्वतःले, स्वतःले सांभाळून ठेवा, हे नाही आलं तर पेपरच नाही तो बोर्डाचा, बिलकुल ये नाही. चला one more example, main clause is given, subordinate is added, subordinate ko humne add kiya, lekin yahan pe dekho when India won, then
शब्द जीत गया। टिंग टिंग टिंग, अब कंजक्शन पहले लगा हुआ है, वेन आ गया, डब्ल्यूएच वर्ड है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। हाँ माता का तरह सर, सबऑर्डिनेट दिया है, मेन क्लॉज जोड़ना है, इसके पहले में मेन क्लॉज दिया है, सबऑर्डिनेट जोड़ना था, अब यहाँ पे सबऑर्डिनेट दिया है, मेन क्लॉज जोड़ना है। जब इंडिया जीता, आम्ही मस्त नाचलो, आम्ही मस्त दारू पिलो, आम्ही मस्त फटाके फोडले, आम्ही मस्त डीजे वाजवला आणि आम्ही मस्त झोपलो, काही असू शकते। सो व्हेन इंडिया वॉन द मॅच, ओके, यापे वन पास्ट टेंस, इकडे लक्ष ठेवायचं असते टेन्स कोणता आहे तर, नाही तर तिकडे फ्युचर आहे, तिकडे प्रेझेंट करून ठेवलं की परफेक्ट आहे, तिकडे सिम्पल लिहून ठेवलं नाही चालले का। देखो वी डिस्ट्रीब्यूट, वी डिस्ट्रीब्युटेड या स्वीट्स, When India won the match, we distributed sweets. हमने मिठाई बांटी, ठीक है? We enjoyed. हमने enjoy किया. We fired the crackers. हमने फटाके फोड़े. Okay? We danced. हमने डांस किया. We celebrated. हमने celebrate किया. तो देखो दुनिया भर के आएंगे, दुनिया भर के आएंगे। तो ये होता है भाई, क्या कि हमने वी डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स, ये रहेगा हमारा ऐड क्लॉज, ये ऐसे ऐड किया जाता है, मीनिंगफुल के साथ ऐड किया जाता है। तो देखो ये अलग अलग प्रकार के कंजक्शंस है, अलग अलग प्रकार के कंजक्शंस है, वी डोंट हैव टू थिंक मच what type of sentence we are structuring, we are getting after adding the clause, clause lagane ke baad, likhne ke baad wo sentence kis types ka ho gaya, don't care about it, wo complex ho sakta hai, wo compound ho sakta hai, hame uske sath len den nahi, bas hame kya karna hai, ek meaningful sentence banana, mehman aaye hai bas unka samadhan ho, aisa khana unko khilao, theek hai, वो जो बोलते हैं वो नहीं खिलाएंगे तो भी चलेगा, भले खाने के बाद उनका समाधान हो, उनका मेहमान नवाजी अच्छे तरह से, उनका एक रिस्पेक्ट हो, या फिर रिस्पेक्ट हुआ है हमारा, आदर सम्मान हुआ, ऐसा उनको लगना चाहिए, फिर आप किसी भी प्रकार की सब्जी बनाओ चलेगा, चलेगा, लेकिन उनका समाधान होना चाहिए, हाँ भाई दिल से जो है हमें खाना खिलाया, हमारा पेट भर गया, समाधान हुआ। वैसे ही आप किसी भी प्रकार का कंजेशन लो, किसी भी प्रकार का टाइप्स ऑफ सेंटेंस होने दो, कॉम्प्लेक्स होने दो, कंपाउंड होने दो, लेकिन विद मीनिंग के साथ वो सेंटेंस होना चाहिए, इट मस्ट हैव, सॉरी इट मस्ट बी ए मीनिंगफुल सेंटेंस, सेंसफुल वो सेंटेंस बनना चाहिए, इज इट। तो देखो इस प्रकार से सिंपल वे से हमने सीखा है कि एड ए क्लॉज का आंसर कैसे होता है, इज इट क्लियर, कि आप सभी को जो है ना समझ में आ गया कि हाँ ऐसे होता है, डेफिनेटली आता है, एक मास का गणित है, एक मास के लिए क्वेश्चन आता है, और आता मतलब आता ही है। हैप्पी नाउ, गुड, तो थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, हाँ कमेंट्स नोटिफिकेशन ऑन करके रख दो, बगल वाली जो घंटी है ना उसको दबा के रखो।